जब इन बातों के समाधान की बात आती है तो हर पार्टियां चुनावी मौसम में अपने मैनिफेस्टो जारी करती हैं। मैंने कार्यकर्ताओं से आपकी बात की तो मुझे पता चला कि आपने प्रतिज्ञा पत्र और शपथ पत्र जारी किए हैं, तो ये किस तरह अलग है, इस बात को बता पाएंगे? अलग तो आप भी नहीं, आप लोग कौन चीज पढ़े हैं पता नहीं चल रहा है। हाई कोर्ट में जाके एफिडेविट दिया और एफिडेविट देके मैंने कहा कि 30 साल ये लोग रहे हैं, मैं 3 साल चाहता हूँ। यदि जनता ने मौका दिया तो 3 साल के अंदर एशिया का नंबर 1 बिहार बनाएंगे, अन्यथा ये एफिडेविट मैं रिजाइन कर दूंगा। उसमें मैंने कैटेगरी पूरा कैटेगरी वाइज किया है, 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना, 15 महीना, 2 साल, 3 साल। 3 महीने में बेटियों की सुरक्षा, अपराधी को शमशान या तो बाहर, 6 महीने में भ्रष्टाचार कंप्लीट सुन पे, 1 साल में एजुकेशन और हेल्थ प्राइवेट से ज़्यादा बेहतर, कंप्लीट रूप से एक एक चीज पर। 3 महीने में यदि बेटियों की सुरक्षा की गारंटी नहीं हुई, आई एम द रिजाइन। भ्रष्टाचार 6 महीने में ख़त्म नहीं कर सके तो मैं बिहार छोड़ दूंगा। राजनीति करने का क्या औचित्य है? जब 3 साल में कलेक्टर और SP बदलता है तो ये नेता लोग क्यों रहते हैं 15 साल? 5 साल काफ़ी नहीं है? जब बगल में राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश 5 साल में बदलता है तो बिहार में 15 साल क्यों? ये मैनिपुलेशन, ये ब्लैकमेलिंग, ट्वीट मैथिली में, भोजपुरी में, 5 किलो ले लो, 1 किलो अरवा चावल ले लो, चना ले लो, ये क्यों? हम भी तो समझे, ये ट्वीट ट्वीट क्यों? पप्पू यादव का DNA सही है कि खराब है, इससे गरीब आदमी का क्या मतलब? इसके जेब में रुपया नहीं है, हम उसकी बात करेंगे कि हम अपने DNA की बात करेंगे? क्यों इमोशंस के साथ खेलते हो? गठबंधन सब चोर का हो जाए तो इससे किसी बेरोजगार यूथ का क्या मतलब? गठबंधन सब चोर किए ना हम लोग हो तो किसी प्रिंसिपल का गठबंधन तो होता नहीं है। तो हमारा कंप्लीट हाई कोर्ट के शपथ पत्र के साथ प्रतिज्ञा पत्र है, जो हिंदुस्तान में पहली घटना है। कुछ लोग इसके आप ये है और मैं नहीं कर पाऊंगा तो मुझे खुद रिजाइन करना पड़ेगा। कुछ लोग इसके मायने ये भी निकालेंगे कि आपकी जो बिलीव है लोकतंत्र की 5 साल वाली प्रणाली पे वो नहीं रहा। सर आप यदि 15 साल किसी को किसी बड़े पदों पर एक जगह छोड़ दो तो वो तो काल हो जाएगा, ऐशो आराम की जिंदगी जिएगा, भौतिक सिख उसकी प्रचंड पे होगी तो फिर वो उसका क्रिएशन और क्रिएटिविटी तो खत्म हो जाएगी, वही सेब हो जाएगा हमारी। मैंने कहा 3 साल में ये नहीं करेगा तो रिजाइन, ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि 5 साल हमारा पीरियड नहीं होगा, हम रिजाइन करेंगे, जिसको बनाना होगा बनाइए, आप 5 साल चलाइए ना।